हल्द्वानी रामनगर के मध्य स्थित काला ढूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण फिर बह गया है, जिसके चलते मार्ग पर यातायात फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि बीते देर रात मूसलाधार बारिश होने के कारण पुलिया का एक हिस्सा टूटकर फिर बह गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा रात्रि में ही मौके पर पहुंचकर यातायात बंद करवा दिया गया। वही SDM रेखा कोहली का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जल्दी ही इस मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। काली ढूंगी से मुकेश छुम्बाल की रिपोर्ट। जो हमारी अति यहाँ पे बारिश हुई थी उससे हमारी ये पुलिया जो है उसका आधा पार्ट बहा था, जो हमने रिपेयर करा के PWD को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि PWD द्वारा तत्काल काम शुरू करवा के इसे हमने 9 तारीख की शाम से छोटे वाहनों के लिए हमने इसको शुरू करवा दिया था। उसके बाद जो कल रात और बहुत ज़्यादा बारिश आई है, क्योंकि जो इसका निहाल नदी है, इसके पीछे जस्ट हमारी निहाल नदी है, उसका जो डाइवर्जन है वो इधर ही तरफ है, स्लोप इधर ही तरफ है, इधर से पुलिया हमारी दोबारा बही है। और फिर हमारे यहाँ पे PWD के सारे कार्मिक हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हो सकता है आज शाम तक हम इसे छोटे वाहनों के लिए फिर से शुरू करवा देंगे। ठीक, जो पिछली में यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ पर डैमेजेज हुए हैं, इसमें सारा पानी ओवरफ्लो हुआ था और उससे बिद्रामपुर और बहुत सारे गाँव इसे प्रभावित हुए थे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पर यहाँ पर विजिट किया गया था और जो भी टेक्निकली पॉसिबिलिटी थी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए वो की गई थी। तो ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो चकलवा हमारी पुलिया, इसमें आधी डैमेज हो चुकी है, उसका कारण क्या है कि जो अपस्ट्रीम में एक कालीगाड़ को पानी ज़्यादा था, उस पर प्रोटेक्शन करने की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वॉल्यूम बढ़ने से और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से इसमें कटाव बहुत ज़्यादा हो गया, और जिसको हम लोगों ने पिछले अब कल शाम तो हमारा ये इसमें विचार था कि हम ट्रैफिक को फ्लो कर देंगे और प्रोटेक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका था, परंतु कल रात की जो वर्षा हुई वो बहुत ज़्यादा उसका डिस्चार्ज था और वो ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो की वजह से जो कि हमारे चक्के भी बह गए, यहाँ तक हमारी मोटर मशीन भी निकल गई है अपने दोबारा फिर इसको ब्रिज को, और अभी हमारी टीम इस पर लगातार काम कर रही है। आज शाम को छोटे वाहनों के लिए इसको ट्रैफिक को खोल देंगे, और नहीं तो कल तो हमारा इसको खोलने का पूरा विचार है, हो जाएगा काम।